सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एडिटिंग कर रही हूँ 3-4 दिन के बाद में, क्योंकि आजकल ना यार मतलब टाइम की इशू की वजह से मेरे को एडिटिंग नहीं हो पाती है। और फिर यहाँ पे ना एक तो मेरा गला चप पड़ा है, ऊपर से फिर ना फीवर की वजह से कुछ करने का मतलब मन ही नहीं रहा है। ऑफिस से ही हो गई 2-3 दिन की छुट्टी तो मेरी। अभी एडिटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो ब्लॉग है उसके 2-3 दिन बाद में यार एडिट। और अभी जो है यहाँ पे बाबू हमारी बार बार वैसे बोलती सुसु करना है, पॉटी करना है, सुसु करना है, पॉटी करना है। तो यही इसके ना प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं इसको जो है दिखाने लेके गई थी। तो तब से मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, उसके बाद फिर मेरे को खुद से जो है बीमार हो गई, मैं फीवर हो गया। और फिर अभी थोड़ी इसकी भी हल्की सी ऐसी चल रही हुई तबीयत, क्योंकि एक तो ना मौसम जो है चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। और फिर क्या है कि माँ के अटैच की वजह से ना फिर बच्चे को भी थोड़ा सा यहाँ पे होता है। तो भी यहाँ पे नहाने धोने के बाद में आगे मैं किचन में एंट्री कर ली है, खाना वाना बनाएंगे अभी। बाबू यार हद देख, कितने गंदे कर लिए अभी सुबह, देख धुले कपड़े पहनाए मैंने। वाह बेटे वाह, तेरा सही यार बाबू। अब ऐसा करो नीचे जाओ, आप दादू के पास जाओ, खेलो। बुला रहे हो आपको, आपको बुला रहे वो। तो गाइस आज ना ऑफिस से कर ली मैंने छुट्टी, क्योंकि सडन पता है क्या हुआ था, कल मैं जैसे ही शाम को आके पहुंची ना घर पे, बाबू इतनी भयंकर मेरे को रोती हुई मिली थी कि मतलब किसी से चुप ही नहीं हो रही थी वो। तो यार एकदम से दिमाग ख़राब हो गया, मतलब सडन हो क्या गया। तो उसको कुछ दिक्कत हुई थी, मैं उसको फिर जस्ट आते ही ऑफिस से बैग वैग नीचे सब डाल के रूम में मम्मी के में भागी, नहीं मम्मी और मिस्टर वीके, तो हम तीनों भागे इसको लेके हॉस्पिटल। फिर इसको जस्ट मतलब इसको कुछ मेडिसिन दे दी थी डॉक्टर ने, तो वो दी। लेकिन उसके बावजूद भी ना फिर इसको मेरे को लगा शायद रिलीफ कम है, तो फिर से दोबारा से इसको लेकर के भागे रात को 10 बजे। फिर दोबारा से इसने दवाई पिलाई थी इसको, उसके बाद मैं फिर थोड़ा बहुत रहा, फिर सो गई थी नाइट में। तो फिर एक दो बार नाइट में भी ये करने लगी ऐसे ही, बट उस टाइम मैंने इसको सुला लिया जैसे तैसे करके। फिर अभी सुबह कुछ इसकी रिपोर्ट्स मतलब जाँचें करवानी थी, तो वो करवाई हैं। अभी मैं जाऊँगी उनको लेने, इस वजह से मैंने फिर इसको क्या है कि छुट्टी कर ली, क्योंकि फिर पीछे से ना परेशान करती थी, फिर रहती नहीं क्या फ़ायदा, फिर मेरा भी फिर मन नहीं लगता सच्ची बताऊँ काम में। और इसको ऐसे में मैं छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा नहीं है काम। तो अभी मैं जाऊँगी जस्ट इसको, अभी नीचे दादा के पास छोड़ के आई हूँ, खेल रही है, बच्चे भी हैं वहाँ पर, तो वैसे खेल लेती है। बट उसके देखो प्रॉब्लम किसी को भी हो ना सहन नहीं होती ना, तो बस चिड़चिड़ा बच्चा क्या है कि रो के बता देता है, बड़ा इंसान थोड़ा सहन कर लेता बस यही है। तो चलो